एक दो तीन जान ही लेगी, ये समोसा भी देगी और 7:30 करने, चलो शुरू करो। 7 5 6 अरे सोनू सोनू, इसे क्या हो गया? ये देवदास बना क्यों घूम रहा है घर में? तुम्हें याद नहीं है? अरे 3 साल पहले आज का दिन, वो वाली बात। हाँ। उस बात को लेके अभी तक रो रहा? देखो उसका मूड ठीक करो ना, हमारा ही बच्चा है ना। ठीक है पहले उसका मूड ठीक करो, फिर सॉस के साथ समोसे दूंगी। सोनू तेरी शर्ट में गिलहरी है, गिलहरी है तेरी शर्ट में, गिलहरी है तेरी शर्ट में। क्या कर रहा बाबा जी? तेरी पेंट में भी गिलहरी है, तेरी पेंट में भी गिलहरी है। बाबा जी क्या कर रहा, बस करो ना। सोनू ठीक है ना तू? उठ ले समोसा खा ले, ले खा। मन नहीं कर रहा मम्मी जी। खा ना बेटा, रहने दो। मेरी फूटी किस्मत देखो, माँ के हाथ का निवाला भी नहीं खा रहा है। अरे डॉली कहाँ जा रही है? ए सोनू कहाँ जा, अबे एक्सरसाइज करा ली, समोसे दिए ही नहीं। Bum 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 ba da bidi bidi bum ba bum 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 bidi bidi bum 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 bum. Bum 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 ba da bidi bidi bum 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 bum. Aye, meri phooti kismat. मम्मी जी, माया के पेरेंट्स से मैंने परमिशन ली है। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, वरना इतना बड़ा बच्चा ऐसे कैसे उदास रह सकता है? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मोनू तुझे याद नहीं है 3 साल पहले आज का दिन, अरे सोनू का घर बसने वाला था। लेकिन उसकी होने वाली दुल्हन मंडप से भाग गई। हाँ वही डेट है। वो रीमा तो हर औरत के लिए मिसाल है। क्या कमी थी मेरे बच्चे में? हाँ बता ना, क्या कमी थी मेरे बच्चे में? छोड़ो ना मम्मी जी, सोनू की कमियों का टॉपिक बहुत ही लंबा चलता है। मोनू मेरी एक बात मानेगा, सोनू के चेहरे की हंसी लौटा दे प्लीज। यार मैं क्यों? पापा जी क्यों नहीं? मैं नहीं, मैंने उसको गुदगुदी कर दी है, मेरा काम हो गया। तुम मेरा भी हो गया। अरे जब लास्ट टाइम मैंने सोनू को गुदगुदी करने की कोशिश की तो उसने बाहर के लैंप पोस्ट से मुझे बांध दिया हथकड़ी के साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप में से कोई भी रजनीश भैया की हेल्प नहीं कर सकता? और कुछ नहीं तो उनका मूड अच्छा करने की कोशिश तो कीजिए। ये उल्टे हाथ का पड़ेगा ना तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। सुबह से ऐसा मुंह बना के रखा हुआ है जैसे कि नींबू चूस लिया हो। माया हम में से किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तुम ही जाओ। माया? नहीं नहीं माया नहीं, हमारे परिवार में से किसी को जाना पड़ेगा। खून खून होता है, माया तो माया है। माया माया बुरा मत मानो। इट्स ओके सुमित, आखिर तुम्हारी मम्मी जी तो मम्मी जी हैं। एनीवे तुम जाओ, जाके रजनीश भैया से बात करो। बात? अरे ऐसी पर्सनल बात कोई अपने भाई से करता है क्या? अबे जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं तो रजनीश का बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ रहने के लिए भेज दूंगा, फिर जिंदगी भर उसका सड़ा हुआ चेहरा दिखता नहीं हो बस। मोनू अगर बात नहीं करनी है ना तो मत कर, तो एक काम कर तू उसे ना पिक्चर दिखाने ले जा। हाँ ये अच्छा आइडिया है, फिल्म के टाइम पे बात नहीं करनी पड़ेगी और इंटरवल के दौरान पॉपकॉर्न से मुंह ठूस लूंगा। और तो बस
रजनीश अगर तुझे कुछ बात करनी है। मोनू मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है मैं चलता हूँ। आ जा, वैसे भी एक दिन तो सबने ही मुझे अकेला छोड़कर चले जाना है। हाँ नहीं नहीं मतलब नहीं, एक्चुअली मैं छोड़कर नहीं जा रहा था। अच्छा, बस ऐसे ही कुछ पिक्चर टाइप देखने के लिए। अकेले माया नहीं जा रही? नहीं वो थक जाती है ना, तू साथ चलेगा? अब तू कहाँ अकेले जाएगा, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। वैसे कौन सी पिक्चर लगी है? एक मिनट मुझे चेक करने दे। हाँ अभी के शो में लगी है भागकर शादी, मीलों फैली तन्हाई, मेरे यार की शादी। कोई फाइटिंग शाइटिंग टाइप की पिक्चर नहीं लगी? हाँ सलमान की नई फिल्म, चले। अच्छा तेरी ट्रीट, अब इतने पैसे आ गए तेरे पास कि तू अपने बड़े भाई की टिकट खरीदेगा है? तू ट्रीट दे दे। अरे नहीं बोलू नहीं। तो खुश रहे हा? तू ही कर ले चल। सवाल ही पैदा नहीं होता, अजय देवगन से बेहतर ना पुलिस वाले की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। ये सलमान वलमान तो बस ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आ जाते हैं और क्या। लेकिन सलमान जब अपनी यूनिफॉर्म खोलकर बनियान में आता है ना, तो विलन की असली औकात सामने आ जाती है, मुट्ठी ऐसे कड़क करता है। अभी सोच कि ये जो है ये एरिया विलन का अड्डा है, और मान ले कि मैं सलमान हूँ और मैं सलमान टाइप कोई डायलॉग बोल रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, और बिल्डअप हो रहा है ठीक है, और मेरी मुट्ठी कड़क हो रही है, कट 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 कट, और ये मेरी कोई फ्लाइंग कैक थार थार चकराव थार लाट कम यार शेर कम क्यों चाव 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 माया बच्चों को लेके बाबूजी के घर पे चले जाओ, ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। चने भल्ले कल सुबह झाड़ पड़ने वाली है ना? आधी झाड़ तो वो लुक से पड़ जाती है, वो लुक। याद है मम्मी जी के चेहरे पे भी यही लुक था जब हमने पापा जी का च्यवनप्राश लेके फ्रीजर में रख दिया था है? पापा जी चम्मच लेके ऐसे घुसा घुसा कर निकाल रहे थे जैसे उनके हाथ में खंजर हो, वो किसी का खून कर रहे हो। निकलिया तेरा ही आइडिया था। हाँ लेकिन तू भी तो मेरे पीछे पीछे आ गया था जैसे हमेशा तू मेरे पीछे पीछे रहता था है? याद है अमृतसर में तुझे लोग क्या कहा करते थे? हाँ हाँ अच्छी तरीके से याद है। क्या कहते थे मोनू? रजनीश की पूंछ। रजनीश की पूंछ। बड़ी हो गई ना मेरी पूंछ। तुझे याद है 10th स्टैंड में तूने मुझे बियर पिला दी थी? गलती से। लेकिन शर्मा अंकल के घर पे फिर बिना कपड़ों के किसने भेजा था मुझे? आज भी मिसेज शर्मा तुझसे नजरें मिला के बात करने में शर्माती है। यार उनका एक कुत्ता भी हुआ करता था ना जिसने तुझे काटा था। हाँ हुआ करता था। अब नहीं है? मैं भी वही कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये बात ना कुत्तों के मामले में भी उतनी ही सच है। चल चलता हूँ। वैसे सुबह जाना है ड्यूटी पे, लेट जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ सोने। सुन मोनू, हम दोनों ने इकट्ठे वक्त गुजारा ऐसे प्लान बनाने के लिए थैंक्स। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मम्मी जी ने मुझे ये करने को कहा, वरना मैं तो। तुझे ये सब करने के लिए मम्मी जी ने कहा?
नहीं नहीं नहीं, मतलब मम्मी जी ने कहा, पर हाँ तो मैंने की ना। एक बेचारे को अपना कीमती वक्त दान में देने के लिए शुक्रिया। सुन सोनू, सुन सोनू। और बस। तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं। सोनू, कल मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। चल आज एक और पिक्चर के लिए चलते हैं, और इस बार किसी ने मुझे चलने को नहीं कहा। ऐसी कोई बात नहीं मोनू, वो क्या है ना, बाद में अपने ही अपनों को धोखा देते। भगवान जी ने कुछ सही सोचा होगा कि मेरी शादी नहीं होने दी। ऐसे मत बोल यार। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। क्यों भाई चपड़ गंजू, तेरी उदासी दूर हुई कि नहीं? अबे सुमित को देख, जिंदगी में हमेशा कितना खुश रहता, और एक तू है हमेशा अपना मुंह सुजा के रहता है। अरे क्यों उसे डांट रहे हो? सोनू, मोनू को थैंक यू बोला, वक्त निकाल के तुझे पिक्चर लेके गया था, है ना? थैंक्स मोनू, थैंक्स। गोली, ये ग्रीन गोली मेरी, ये रेड तेरी, और ये सिल्वर। नहीं, ये सिल्वर तुम्हारी, ये सफेद मेरी। हाँ पापा जी, आज आपने अपना च्यवनप्राश नहीं लिया क्या? अरे हाँ, बाद में गोली लेते। च्यवनप्राश तो लिया ही नहीं, कमजोरी महसूस हो रही थी मुझे तो। च्यवनप्राश, दस चम्मच दे। अब इसे क्या हो गया? डॉली, ये निकल क्यों नहीं रहा? अरे जोर लगाओ ना, खाना खाते हो ना, लगाओ जोर। और मेरा चम्मच, ये क्या हो गया? रहन दो, ये लो कांटा ले लो। डॉली देखती रहे, इस कांटे को मैं इसके अंदर घुसा के ही रहूंगा। हाँ क्या कर रहे हो? इस खंजर से मैं तेरा खून कर दूंगा च्यवनप्राश। अरे कांटा भी टेढ़ा कर दिया। कुछ मदद कर दो? नहीं नहीं भैया, बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस बाहर जा रहा था, तो सोचा कि मोनू से जरा पूछ लूं कि साथ चलेगा कि नहीं। ओ मोनू, ओ मोनू। भैया मैं तो बहुत खुश हूँ ये देख के कि आप दोनों इतने क्लोज हो रहे हो। वैसे भी काफी टाइम वेस्ट हो गया ना हम दोनों के बीच। चलो देर आए दुरुस्त आए। ओ मोनू, एक्चुअली ना माया, मैं सोच रहा था कि इस एतवार को मैं मोनू को अपने साथ दिल्ली पुलिस अकेडमी की परेड दिखाने के लिए ले जाऊं। दो भाई दिल्ली पुलिस के उभरते हुए नौजवानों को उभरते हुए देखेंगे। क्या हुआ? नहीं बस, आप बहुत क्यूट है भैया। बच्चों ने कहा अपने बॉस को बुलाओ। हाँ भाई मोनू, चल। कहाँ? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। तुझे पेट्रोलिंग के मजा दिखाता हूँ। है दोनों भाई चल के गाड़ियां रोकेंगे, स्मगलरों को धर दबोचेंगे। है दो भाई जैसे जय और वीरू। है जय और वीरू तो भाई नहीं थे, और इतनी रात को जाना। अच्छा नहीं ठीक है, नहीं समझ गया, मैं सब समझ गया। नहीं नहीं सुनो, नहीं नहीं नहीं, मैं सब समझ गया। वो भाई के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब बस ऐसे ही था। सुनो, नहीं नहीं, डॉग था। सुनो, डॉग ही कहीं का डॉग कर रहा था। माया सॉरी, मैं ढोंगियों से बात नहीं करती।
चल ठीक है, रात के 10 बजे चलते हैं पुलिस पेट्रोलिंग के लिए। देख मैंने ना सब प्लान करके रखा है, हाँ आज रात को पेट्रोलिंग, कल सुबह एक्सरसाइज, रविवार की सुबह मार्च पास्ट, सोमवार को पंचनामा, मंगलवार को हनुमान के मंदिर चलेंगे। मेरे कैलेंडर में छुट्टी होती है क्या? चल चल दोनों हाथों से। चल 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 आ रहा है क्या? रजनीश तू क्या क्या कर रहे? मैं पूरा नंगा पुंगा खड़ा हुआ। अरे नहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही देखने आ गया था। मैं सिग्नल आ रहा कि नहीं? हाँ, दो भाई एक साथ मजे करेंगे। पता है दोनों भाई एक साथ मैच देखेंगे, सारी चीजें एक साथ करेंगे दोनों भाई, लेकिन फिलहाल ना मुझे प्लीज नहाने दे यार। नहाने नहाने, मैं नीचे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और कान के पीछे ढंग से धोइयो। और आ गया मेरा छोटा भाई, धो लिया अपने आपको अच्छे से? हाँ। के पीछे दोनों दिखा। एक मिनट, मुझे ना स्टार्टिंग की कमेंट्री सुननी है। For the next delivery, around the wicket, bans one in short, but Virat just gets up and gets a go away towards the wicket. अनपेक्षित घटना है आज के दिन ही। चलो अच्छा, तब तो थोड़ी गपशप लगाते हैं। आज लग रहा है कि दो भाई खुलकर बातें करें। पता आज मैंने क्या किया? दोपहर को पापा जी का च्यवनप्राश दोबारा से फ्रीजर में रख दिया। चल अब तू सुना कोई दिल की बात। दिल की बात? मैं तो दिल में रखता ही नहीं कोई बात। देख मनु, हम दोनों अच्छे भाई नहीं अच्छे दोस्त भी हैं, और दो भाइयों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। पता है रीमा के छोड़कर जाने के बाद फंस गया यार, बिल्कुल अकेला हो गया। रात रात भर अल्ताव राजा के गाने लगाकर रोता रहता। रीमा तो ठहरी पर्दे से, साथ क्या निभाती। सोनू तू मुझे ये सब बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि मैं कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार हूं मोनू, प्राइवेट से प्राइवेट बात भी। तुझे याद है जब बचपन में मैं बिस्तर गीला कर दिया करता था, और फिर मम्मी जी हमारे कमरे में आती थी मेरा रोना चुप कराने के लिए। इतना छोटा महसूस करता था मैं अपने आप को, सुबह चादर को गीला देख के इतनी शर्म आती थी मुझे। सुनो, मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ शेयर करना है। हाँ वैसे भी तूने मेरा दर्द कभी शेयर नहीं किया, कभी कोई बात नहीं बांटी ना मुझसे। मुझे क्या पता था कि तू भी बिल्कुल वैसा ही निकलेगा, रीमा जैसा परदेसी। ठीक है तू शेयर करना चाहता है ना, तो सुन सोनू, बिस्तरा तू गीला नहीं करता था, वो तो कभी कभी रात में मुझे डर लगता था तो मैं तेरे बिस्तरे में एक गिलास पानी डाल देता था ताकि तू रोए और मम्मी जी हमारे कमरे में आ जाए। क्या अगर मम्मी जी को मैं कमरे में ऐसे ही बुलाता तो उन्हें लगता कि मैं डरपोक हूं? तूने ये सब इसलिए किया ताकि तू डरपोक ना लगे और लोगों को ये लगता रहे कि 12 साल की उम्र में भी मैं बिस्तरा गीला करता हूं। सॉरी, इसीलिए मैं ये सब बातें शेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे अजीब लगता है। तुझे अजीब लगता है? मोनू का बच्चा तुझे अजीब लगता है? 2 साल के लिए पापा जी मुझे जलपरी कह के बुलाते रहे,
प्लास्टिक की शीट बिछाकर मुझे बिस्तर पर सोना पड़ता था और तुझे अजीब सा लगता है। रजनीश चिल, हमें दो भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करनी चाहिए शांति से। रजनीश कितने साल हो गए उस बात को? 2 साल तक मैंने 7 बजे के बाद पानी पीना छोड़ दिया था। इधर आ। रजनीश चिल चिल चिल। रजनीश चवन प्राश, अब देखता हूं तू कैसे नहीं निकलता बाहर। बम 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 ब